श्री साईं बाबा का नौ गुरुवार का अद्भुत व्रत, व्रत की कथा और विधि। शिरडी गांव नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में साईं बाबा प्रकट हुए। श्री साईं बाबा का जन्म और उनके माता पिता के विषय में रहस्य बना हुआ है। धरती उनकी माँ और पिता आकाश की गोद में साईं शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में स्वयं भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। प्रकटावस्था में श्री साईं ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। साईं ने अपना बसेरा समाधि लीन होने तक एक टूटी फूटी मस्जिद में बनाए रखा, जिसे साईं बाबा द्वारका माई कहकर पुकारते थे। वे एक पूर्ण संत थे। संतों का कोई जाति धर्म नहीं होता। दया, शांति, संभाव, यही सब संतों का धर्म है। दीन दयालु, कृपा सागर, प्यार का अपार मंजर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए स्मृति लोक में प्रकट हुए। उनका संदेश था, सबका मालिक एक है। राम और रहीम में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखता है, साईं बाबा उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जीना सीखो, ये साईं बाबा ने सिखाया है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस परमात्मा में ध्यान लगाकर साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। साईं की भक्ति की धुनी मन में रमानी चाहिए। परमात्मा को कहीं बाहर इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने मन में ही समाया हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति संसार में साईं बाबा की भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर मन से करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी कष्ट, कलेश और दुख दर्द मिट जाते हैं। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यश और मान प्राप्त होते हैं। साईं बाबा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। साईं बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं सत्य हूँ। ये बात सत्य मानोगे तो उसका अनुभव तुम्हें स्वयं होगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, मैं उसके सभी कार्य पूर्ण करूँगा। जो मुझे जिस रूप, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह में मानेगा, उसी रूप में मैं उसे दर्शन दूंगा। जो भी व्यक्ति सच्ची सहायता लेने मेरे पास आएगा, मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। जो भी व्यक्ति मुझे तन, मन और वचन से स्मरण करता है, उसका ऋण मुझ पर चढ़ जाता है। जो नित्य साईं बाबा को भजता है, उसे भेद अभेद नहीं रहता। धरती पर जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तब ईश्वर ने ना जाने कितने ही रूपों में संसार में जन्म लिया और पुनः धरती पर कर्म की स्थापना की, मनुष्यों को धर्म का नया रास्ता दिखाया। इन्हीं अवतारों में शिरडी में साईं बाबा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज शिरडी के साईं बाबा के नाम से कौन परिचित नहीं है। शिरडी के साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी हुई है, इसीलिए करोड़ों लोग उन्हें परमात्मा का सत्य अवतार कहते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता, तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता, तो वे संस्कृत में शिव स्त्रोत सुनाकर सभी को सोच में डाल देते। साईं बाबा ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सूत्र में बांधा था। इन्हीं के लिए उनका यही संदेश था। राम जो हिंदुओं के भगवान हैं, रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें जरा भी भेद नहीं है। तो फिर तुम उनकी अनुयायी क्यों अलग अलग रहकर आपस में झगड़ा करते हो। अज्ञानी मनुष्यों, तुम एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा अपने भक्तों को स्वप्न रूप में, प्रकट रूप में, किसी को शिव रूप में तो किसी को रामकृष्ण रूप में दर्शन देते थे। उनके पास अन्नपूर्णा सिद्धि थी। साईं स्वरूप में तो बाबा के जीवन काल में उनके सारे भक्तों ने अनेक चमत्कार देखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है, ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है। साईं भक्तों के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में सदैव भक्तों के साथ हैं। बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी आज भी उनकी लीलाएं जारी हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि साईं बाबा अभी भी हमारे बीच विद्यमान हैं। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर उन्हें याद करता है, तो बाबा उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही अद्भुत चमत्कार किए। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती थी। आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर विधि पूर्वक की जाए, तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साईं बाबा उसे सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। साईं बाबा साक्षात देव हैं। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर यदि धैर्यपूर्वक नौ गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक किया जाए, तो निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाए, इसके लिए साईं व्रत के नियम इस प्रकार हैं। श्री साईं बाबा व्रत के नियम। व्रत करने वाला इस व्रत से कार्य करने की सिद्धि जरूर होगी, इस आस्था के साथ व्रत करें। यह व्रत अति आसान है। सभी जाति धर्म के स्त्री पुरुषों के लिए यह व्रत है। इस व्रत के लिए 9, 11 या 21 गुरुवार का शुरू में संकल्प करें। व्रत बिना कुछ खाए पिए नहीं करना चाहिए। दिन भर में कुछ फलाहार करके शाम के बाद भोजन करें। भोजन में मूंग दाल और चावल के खिचड़ी रहे तो बेहतर होगा। पहले गुरुवार के दिन बाबा की तस्वीर या इस किताब में दिए हुए यंत्र के साथ पूजा करें। पूजन में फूल, इत्र, रोली, लोबानियाँ, धूप दिया और कुछ मिठाई हो। अपने मन की बात हाथ जोड़कर बताएं और कितने गुरुवार का व्रत रखेंगे यह भी निवेदन करें। अगर बीच में किसी रिश्तेदार का सूतक या सुवेर आए तो भी व्रत जारी रखें। अगर किसी कारणवश बाहर काम जाना पड़े तो उस गुरुवार को गिनती में ना जोड़ें। एक कामना के पूरे होने के बाद समाप्ति करें और फिर दूसरा संकल्प करें।
हर गुरुवार शाम के वक्त आरती करें, फिर भोजन करें और कहानी पढ़ें। व्रत का आचरण कैसे करें? व्रत धारक को चाहिए कि वह झूठ बोलने से बचकर रहे, दूसरों के बारे में भला बुरा ना कहे, नाजायज हरकतों से दूर रहे, जितना हो सके गुस्सा बर्दाश्त करे, अपनी बोली मीठी रखने की कोशिश करे, अपना काम खुद करे, हो सके तो किसी करीब के साईं बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करें। समाप्ति का विधान, सभी गुरुवार पूरे हो जाने पर अंतिम गुरुवार के दिन समाप्ति करें, गौ माता को भोजन खिलाएं। यदि किसी गुरुवार के दिन कोई आकर भोजन मांगे तो पहले उसे भोजन दें। इस व्रत की महिमा और बाबा की महिमा का अपने परिचित और सगे संबंधियों में प्रचार करें। इस किताब की प्रतियां भी उत्सुक लोगों में बांट दें। प्रतियों की संख्या 9, 11 या 21 ऐसी विषम हो। जितनी ज़्यादा प्रतियां होंगी उतना ज़्यादा फल मिलेगा। एक या ज़्यादा फकीरों को भोजन दें या भोजन का सामान दें। भोजन या भोजन का सामान में दक्षिणा के हो। भोजन और दक्षिणा समर्पण करके उन्हें वंदन करें। अगर फकीर ना मिले तो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ भोजन दें। किसी साईं मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें। श्री साईं बाबा की कहानी पढ़िए। श्री साईं महाराज की कहानी, बात इसवीं साल 1858 की है। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र इलाके में अहमदनगर जिला है। उस जिले में कोपरगाम नामक तहसील में एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था शिरडी। एक दिन सवेरे पहले पहर में किसी मुसलमान की शादी के लिए बाराती बैलगाड़ियों में से पधारे। उन्होंने खंडोबा के मंदिर के सामने खुली जगह में पेड़ों की छांव देकर अपनी गाड़ियां रोकी। उनके साथ एक गोरा ऊंचा और जवान फकीर भी आया था। वह फकीर घूमता हुआ मंदिर के पास गया तो मंदिर के पुजारी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ साईं बाबा। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते बैठे। बाद में वह फकीर बारातियों के साथ नहीं लौटा बल्कि उसी गांव में रुक गया। शिरडी में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, उसी मस्जिद में उसने अपना डेरा जमाया। वह दिन में चार घरों से खाना मांगता और परमात्मा के ध्यान में मशगूल रहता। इसी तरीके से उसका जीवन चलने लगा। सिर पर एक सफ़ेद रुमाल बांधता, हाथ में चिमटा और छड़ी, शरीर पर एक कफनी, भिक्षा रखने के लिए टिन का एक कटोरा, यही उसका सामान था। लगातार उसके मुंह से अल्लाह मालिक नाम चलते रहता। हाँ, एक बात और थी, वह यह कि उसे मिट्टी के छोटे दिए जलाने का शौक था और उसके लिए वह रोज़ वहाँ के दुकानदारों से तेल मांगता और मस्जिद में रोशनी करता। ऐसे में दिवाली आई, वह फकीर हमेशा की तरह तेल मांगने गया तो दुकानदारों ने तेल देने से इनकार कर दिया। वह फकीर चुपचाप मस्जिद में लौटा। फिर उसने एक ज़बरदस्त करिश्मा दिखाया। कटोरे में बचा हुआ एक चम्मच तेल उसने पिया और कटोरे में से पानी लाकर दियों में डाला और दिए जलाए। रात भर दिए जलते थे। दूसरे दिन सभी गांववासी उसकी शरण में गए। आहिस्ता आहिस्ता उस फकीर के नए नए चमत्कार लोगों को देखने को मिलने लगे। उसके नाम की गूंज चारों तरफ फैलने लगी। दूर दूर से लोग शिरडी आने लगे। उनमें सभी जाति धर्म पंथ और संप्रदाय के लोग होते थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तांत्रिक, ऐसे कई लोग आते रहते। उनमें से कितने ही ऐसे थे जो बाबा से मन्नत मांगते। बाबा के आशीर्वाद से हर एक की कामना पूरी हो जाती थी। फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि बाबा के कुछ चाहने वालों ने उस पुरानी मस्जिद की मरम्मत की। अब बाबा वहाँ आराम से बैठने लगे। एक वक्त बाबा ने जलती धुनी में अपने हाथ डाले और दूर रहने वाले लोहार भक्त की बच्ची को बचा लिया जो उसी वक्त भाड़ में गिरी थी। बाबा के रहते जो भी शिरडी आया उसके मन की मुरादें पूरी हो गईं। कितनों को रोजी मिल गई तो कितनों को बीमारियों से राहत मिली। विद्यार्थियों को इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो गई। जिनके मुकदमे अदालतों में चल रहे थे उन्हें इंसाफ मिला। बाबा की कृपा के करिश्मे तो रोज ही देखने को मिलते। मूले शास्त्री नामक एक ब्राह्मण जब मस्जिद में दर्शन के लिए आए तो उन्हें बाबा की जगह उनके गुजरे गुरु के दर्शन हुए। एक डॉक्टर को बाबा की जगह श्रीराम का दर्शन हुआ। भीमाजी पाटिल मौत के दरवाजे से लौट कर आया। बालादल जी का मलेरिया का बुखार चुटकी में उतर गया। कितनी ही बांझ स्त्रियों को औलाद नसीब हुई। गणपत नाम का एक पुलिस सिपाही था जो तमाशा देखने का आदी था। वह पूरी तरह बदलकर दास कनु नाम से हरि संकीर्तन करने लगा। श्यामा उर्फ माधव राव को जहरीले सांप ने डस लिया था। उसको बाबा ने गालियां देकर ठीक कर दिया। कितने ही लोगों को सपने में दर्शन देकर बाबा शिरडी बुलाते। बाबा की मर्जी से शिरडी में रामनवमी और मुहर्रम बड़ी शान के साथ मनाए जाने लगे। बाबा को अपने भक्तों पे बड़ा नाज था। अगर कोई भक्त को टोक दे तो बाबा उसे मारने पर उतर आते। मस्जिद में बाबा ने एक धूनी जलाई थी जो आज भी लगातार वैसी ही जल रही है। उसमें की उदी बड़ी ही असरकारक है। उदी नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। बाबा के दर्शनार्थियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में ईस्वी 1918 का दशहरा आया। मंगल का दिन था। उसी रोज बाबा ने अपना चोला छोड़ दिया। उनके चले जाने के बाद भक्तों ने उन्हें यथाविधि दफन किया और समाधि बनाई। बाबा आज भी वहाँ मौजूद हैं। भक्तों की पुकार सुनकर आज भी वह दौड़ते हैं। जो गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें इस बात की अनुभूति जरूर मिलती है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मई पश्यति, तस्याम न प्रणश्यामी, स च मे न प्रणशयति। अर्थात, जो मनुष्य सब जगह और सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है,
मैं उससे अलग नहीं रहता और वह भी मुझसे दूर नहीं होता। ओम साई राम। भक्तों को अभय देने वाले श्री साईं बाबा के 11 वचन। शिरडी में पड़ेंगे जिसके कदम, टल जाएगी हर विपदा उसकी। तुरबत तक की मेरी सीढ़ी जो चढ़े, दुख उसका रहे ना कुछ बाकी। यह छोड़ के तन मैं जाऊँ कहीं भी, आ जाऊँगा मेरे भक्तों के लिए। मांगो मन्नत देगी तुरबत, ईमान पूरा मुझ पर रखिए। मैं जिंदा हूँ, मैं कायम हूँ, श्रद्धा से करो अनुभव इसका। जो मेरी शरण में आ ही गया, दिखाओ बुरा हुआ किसका। पास आए मेरे जो जिस दिल से, मैं देता हूँ उसे वैसे ही मन से। मेरा यह वचन तुम याद रखो, हर बोझ हटा दूँ जीवन से। है मदद यहाँ हर एक के लिए, जो भी मांगो वो मिल सकता। तन मन धन से जो मेरा हुआ, उसको मैं भूल नहीं सकता। साईं कहते वह धन्य हुआ, जिसने खुद को मुझ में मिलाया। ओम साई राम। साईं बाबा जी की आरती। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजताई द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुनी अनंग, स्वस्वरूपी राहे दंग, मुमुक्षु जना दावी निज डोया श्री रंग, डोया श्री रंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, दया तैसा अनुभव, दावी सी दया गाना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साई बाबा तुम चे नाम ध्याता, हरे संस्कृति व्याथा अगाध तव करनी, मार्ग दावी सी अनाथा, दावी सी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण जाहलासी स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पहवया भव भयानिवारी, भयानिवारी। आरती साई बाबा माजा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा, मांगणी हिचियाता तुम्हा देवाधिदेव, देवाधिदेव। आरती साई बाबा इचित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख पाजवे माधवाया, संबल आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजताई द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। ओम साई राम।